हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसराय बौराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशी दिसेजर्स आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और कुछ अपना गोल अचीव करते हैं या गोल को पूरी तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हैं, तब हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है और जब हम वर्क और लाइफ को मीडियमली इम्प्रूव करते हैं तब हमें कितना अच्छा लगता है और हमें कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये बिना टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन नोट आए तो सबसे पहले आपके पास है। तो ये बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब हम वर्क और लाइफ को कंपेयर करते हैं तो लाइफ भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा वर्क हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम अपना वर्क करने की अचीव करते हैं कि हाँ, हम अगर ये, जैसे मैंने रात को बोल के सोई कि मुझे ये काम सुबह करना है, बट मैंने अपने आप को नहीं बोला, मैंने अपने आप के मन को नहीं बोला, मैंने ऐसे ही ऊपर से बोल दिया हाँ ये कल काम हो जाएगा, बट जब तक मैं अपने अंदर एक इच्छा नहीं जगाऊंगी उस काम को करने की, तब तक मैं उस काम को नहीं करूंगी। तो उसी तरीके से एक हार्ड वर्क है, जब तक हम हार्ड वर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमसे वो हार्ड वर्क नहीं होगा, तब तक हम ठान नहीं लेते कि हाँ हमें ये काम करना ही है। अब देखिए, जैसे अब स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चे तो उन्हें मतलब बहुत आलस आता है उठने में, और इधर ही हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम रात को बोल देते हैं कि हमें जाना है, हमें फ्लाइट मिस नहीं करनी है या हमें ट्रेन मिस नहीं करनी है या हमें बस मिस नहीं करनी है, हमें मतलब उधर जाना ही है, उधर जाना हमारा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से हम स्कूल कॉलेज के लिए क्यों नहीं उठते, क्योंकि हम अपने माइंड को अचीव नहीं करते हैं कि हमें जाना ही है। हम उसे कहते हैं हाँ चले जाएंगे, बट ये नहीं कहते कि जाना ही है, कंपलसरी है। जब हम किसी भी चीज़ को कंपलसरी हमें हमारे माइंड को दे देते हैं कि आप अपने माइंड को ये कह दें कि ये काम करना कंपलसरी है हमारी लाइफ में, तो उधर हमारा वर्क चेंज हो जाता है, उधर हमारा काम करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे वर्क करने हाँ ये हो जाएगा, तब हम वर्क नहीं करते हैं, हम अपना काम पूरा करते हैं। और वर्क का मतलब होता है अपना हार्ड वर्क करना, अपनी लाइफ में वो वर्क करना जो कभी किसी ने नहीं किया। काम करना क्यों ज़रूरी है, लोग कहते हैं पैसे कमाने के लिए। नहीं, पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, लोग कहते हैं पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने जो गुण हैं हमारे अंदर उसको कहीं भी अचीव कर सकें, कहीं भी मतलब किसी भी क्षेत्र में हम उसे गोल कर सकें। अब देखिए, जब हम कुछ नया याद करने की कोशिश करते हैं तब हमें वो आसानी से याद नहीं होता है, जब तक उसे हम अपने दिमाग में न बिठा लें। रटना इज़ नॉट अ बिग थिंग, हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें याद करना है। याद तब होती है जैसे अब हम बोल देते हैं कि ये काम हमें सुबह करना है, भूल जाते हैं क्योंकि उस काम को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और जब हम किसी काम को इम्पोर्टेंस देते हैं उसे हम करना के लिए ठान ही देते हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जब आप अपने लाइफ में कुछ नया याद करने की कोशिश करो, नया काम करने की कोशिश करो तो उसे ठान के करो। कोई गोल अचीव करना हो तो उसे भी ठान के करो, क्योंकि जब हम गोल अचीव करते हैं तब हमें ऐसा कोई सेंसिंग नहीं मिलता है जो हमें मोटिवेशन टिप्स देती है। ज़रूरी नहीं है वो काम कैसा भी हो, आपको अचीव करना है। अगर आपने ठान लिया कि वो काम अच्छा है और मुझे उसे अचीव करना है, चाहे वो लोगों को दिखाने के लिए हो चाहे वो खुद की अचीवमेंट के लिए हो, तो आपको उसको करना, करके ही रहना है। ऐसे नहीं पीछे हट जाना है, दो तीन बार हार जाओ तो पीछे हट जाना है। अगर आप कोई गेम भी खेलते हैं, अगर आप उसमें हारते जाते हैं फिर भी आप उसे खेलना नहीं छोड़ते, उसी तरीके से एक लाइफ एक गेम है, उसे हमें खेलते रहना है, खेलते रहना है जब तक हम जीत नहीं जाते, जब तक हमारे सारे राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसके राउंड कभी ख़त्म नहीं होते, हमें हर एक डे में हर एक नया राउंड करना ही पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन नोट आए तो सबसे पहले आपके पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।